हेलो एवरीवन <laughs> देख ले भाई चल पड़ी क्लास यस इंडिया बिगेस्ट सेल सीजन एंड यही एड चलते रहते हैं, हैं सारे दिन हाँ अब तो मतलब बच्चे ही गायब हो गए है ना यूट्यूब से सो हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू योन अकेडमी डेट इज़ अचीवर्स अकेडमी सो हम सुबह में अपना सी का सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें सी एग्जाम अब होने वाला है तो कुछ आठ दस दिन में आपको सी से रिलेटेड <coughs> जो भी पैरागोजिकल इश्यूज हैं चाहे वो हिंदी के हैं चाहे इंग्लिश के हैं चाहे सी के हैं है, है, वो मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगी तो मैं क्लियर आपको बता रही हूँ साढ़े दस के अराउंड डेली लगभग ये क्लास शुरू हो जाएगी सी तक चलती रहेगी और शाम का जो क्लास का डिले चल रहा है बस मुझे लगता है हो गए मेरे जो काम होने थे बहुत सारे काम थे जिसमें मैं बिजी थी तो आज शाम से मैं के सीरीज ठीक है शाम साढ़े आठ नौ के आसपास हम के सीरीज को आज से शुरू करेंगे तो के सीरीज हम शुरू करने वाले हैं बहुत ही जल्द शाम के टाइम में और सुबह में आपका ये जो सी से रिलेटेड सीरीज है टिल सी एग्जाम ये चलता रहेगा जिसमें हर सब्जेक्ट की पैडागोजी एन कुछ भी होगा वो मैं आपको रिवाइज करवा दूंगी तो इंग्लिश लैंग्वेज पैडागोजी का आज ये वीडियो नंबर थर्ड है सबसे पहले हमने वीडियो में इंग्लिश लैंग्वेज पैडागोजी के मेथड्स के बारे में पढ़ा था कल की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी जो इंग्लिश लैंग्वेज पार्ट टू है मैंने एक प्ले बना दी है इंग्लिश लैंग्वेज पैडागोजी के नाम से देख लेना कल की क्लास में हमने ग्रामर टीचिंग के बारे में पढ़ा था कि ग्रामर टीचिंग का क्या रोल है ग्रामर टीचिंग क्यों इंपॉर्टेंट है और टाइप ऑफ ग्रामर टीचिंग जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कल हमने वो डिस्कस किए थे ठीक है आज जो भी आप क्वेश्चंस पूछे लास्ट में आंसर दूंगी पहले एक बार पढ़ा लूँ तो आज हम बात कर लेते हैं लैंग्वेज स्किल्स के बारे में ठीक है आज हम लैंग्वेज के स्किल्स के बारे में बात कर लेते हैं अधिगम मतलब जो भाषा होती है इंग्लिश में उसके कौन कौन से स्किल्स होते हैं हम उनकी बात आज की क्लास में कर लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके एग्जाम के लिए आपने पैरागोजी पढ़ी होगी बट हर क्लास में आपको कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा ठीक है और ये क्लास नॉट ओनली फॉर सीटेट रीट मेन्स में है आगे रीट आ रहा है एमपी टेट आ रहा है यूपी में भी आता है या फिर जो भी टी सी टी पीसीटी इंग्लिश ड्रीट प्लस बी का एग्जाम दोगे तो बीस नंबर की वहां पर पैरागोजी आएगी तो कहने का मतलब ये क्लास हर जगह इंपॉर्टेंट है ये मत सोचना कि सिर्फ सी टेट के लिए ही है ठीक है हाँ तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लैंग्वेज के स्किल्स की तो लैंग्वेज के स्किल्स को बात करने से पहले लैंग्वेज के कुछ बेसिक टर्म्स है जो आपको पता होना चाहिए सिंटेक्स क्या होती है मोर्फोलॉजी क्या होती है फोनेटिक्स क्या होती है ये कई बार एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है ठीक है हाँ तो सबसे पहले है सिंटेक्स सिंटेक्स इज अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज विच इज रिलेटेड टू सेंटेंस कंस्ट्रक्शन क्या होता है सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होता है बच्चे तो जब से हुए गायबी हो गए हैं कोई बात नहीं बाद में रिकॉर्डेड सब देख लेते हैं मैं लाइव इसलिए चला लेती हूँ कि रिकॉर्ड करके क्या ही डालना कोई पांच सात आएंगे देख लेंगे नहीं तो कोई बात नहीं बाद में देखते रहेंगे है ना देखो सिस्टम बनेगा जब मेरा रेगुलर का तो तुम सब अपने आप आ जाओगे बनाएंगे फिक्स टाइम तो सिंटेक्स क्या है दिस पार्ट ऑफ लैंग्वेज इज रिलेटेड टू सेंटेंस कंस्ट्रक्शन सिंटेक्स होता है सेंटेंस को कैसे कंस्ट्रक्शन किया जाता है सेंटेंस का जो कंस्ट्रक्शन होता है जिसको आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कह सकते हो तो सिंटेक्स का मतलब क्या होता है सेंटेंस का एक प्रॉपर कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट आएगा वर्ब आएगा ऑब्जेक्ट आएगा तो ये सेंटेंस का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसको हम बच्चे क्या बोलते हैं सिंटेक्स बोलते हैं ठीक है सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं सिंटेक्स बोलते हैं ध्यान रखिएगा फिर है मोरफोलोजी मतलब मॉर्फोलॉजी क्या होता है मॉर्फोनोलॉजी का मतलब क्या होता है पार्ट ऑफ सेंटेंस सेंटेंस के क्या क्या पार्ट्स है मतलब सेंटेंस का किस किस चीज से सेंटेंस जो है मिलके बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं मॉर्फोलॉजी बोलते हैं ठीक है थीके? उसको हम क्या बोलते हैं मॉर्फोलॉजी बोलते हैं ज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस हैविंग यूज ऑफ प्रोनाउन एडजेक्टिव भाई उसके अंदर क्या प्रोनाउन है क्या एडजेक्टिव है ठीक है क्या वर्ब है इंटरजेक्शन और एक वर्ड आपके एग्जाम में आया था मोरफीम्स ठीक है एक वर्ड आपके एग्जाम में आया था क्वेश्चन आया था एक सेंटेंस गिवन था और ये पूछा गया था कि उसके अंदर कितने मोरफीम्स है मोरफीम इज अ काइंड ऑफ टुकड़े कितने टुकड़ों में वो सेंटेंस टूट रहा है हाउ मेनी मोरफीम्स आर देयर ऐसे करके क्वेश्चन डाला हुआ था पिछली बार सीटेट में तो जैसे मैंने शब्द लिखा अनएक्सपेक्टेड तो अनएक्सपेक्टेड थ्री पार्ट्स में टूट रहा है ठीक है तो जितने पार्ट्स में वो टुकड़ा टूट रहा है उतने ही उसके अंदर क्या हो जाते हैं भाई मोरफीम्स हो जाते हैं ठीक है ठीके? उतने ही उसके अंदर क्या हो जाते हैं मोरफीम्स हो जाते हैं फिर है वर्डोलॉजी वर्डोलॉजी के अंदर क्या होता है वर्ड फॉर्मेशन इज लर्न इन वर्डोलॉजी वर्डोलॉजी लोजी किसी भी चीज के पीछे आ जाता है तो ध्यान रखना वो उसकी स्टडी होता है ठीक है लॉजी किसी के पीछे आ जा जाता है तो ध्यान रखना वो उसकी स्टडी होता है तो वर्डोलॉजी का मतलब होता है वर्ड फॉर्मेशन ठीक है वर्ड्स की जो फॉर्मेशन होती है मतलब वर्ड्स को जो इकट्ठा करके एक स्टडी की जाती है वो होती है वर्डोलॉजी ठीक है वो क्या होती है वर्डोलॉजी नेक्स्ट है फोनेटिक्स फोनेटिक्स ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है फोनेटिक्स इज अ साइंस ऑफ साउंड साउंड की जो साइंस होती है उसको हम फोनेटिक्स बोलते हैं ठीक है साइंस ऑफ साउंड इज कॉल्ड फोनेटिक्स तो ये हम क्या बोलते हैं फोनेटिक्स बोलते हैं क्या साइंस ऑफ साउंड फिर है सिमेंटिक्स सिमेंटिक्स क्या होता है इट इज रिलेटेड टू मीनिंग ऑफ द लैंग्वेज एंड इट्स सॉल ऑफ द लैंग्वेज मतलब सिमेंटिक का मतलब होता है कि आपका जो सेंटेंस पैटर्न था जो सेंटेक्स था वो क्या मतलब दे रहा है मतलब सीधी सीधी लैंग्वेज में आपको क्या क्वेश्चन आएगा ध्यान से देखिएगा सीधी सीधी लैंग्वेज में आपको क्या क्वेश्चन आएगा कि पार्ट ऑफ लैंग्वेज दैट इज रिलेटेड टू सेंटेंस सेंटेंस कंस्ट्रक्शन वो क्या होता है या syntax, uh, syntax क्या, होता? क्या होता है नीचे चार देंगे क्या होता है साइंस लोजी किसी के पीछे लगा मिले तो वो स्टडी होती है ठीक है सीमेंटिक क्या होता है रिलेटेड टू द मीनिंग मीनिंग सोल ऑफ लैंग्वेज कि भाई क्या कहना चाहता है इसके अंदर तो वो चीज क्या होती है सीमेंटिक होता है तो ये कुछ लैंग्वेज स्किल्स से पहले लैंग्वेज के कुछ बेसिक से पॉइंट है

उसको हमेशा सीखा जाता है क्योंकि कोई भी भाषा है आपको आप हिंदी भाषी हैं अंग्रेजी आपको सीखनी पड़ेगी फ्रेंच आपको सीखनी पड़ेगी तो कोई भी भाषा है आपको सीखनी पड़ेगी तो भाषा हमेशा सीखी जाती है लेकिन जो अपनी मदर टंग होती है वो एक्वायर की जाती है मतलब एक्वायर मतलब एक्विजिशन होता है एक्वायर एक्विजिशन के ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो अक्वायर की जाती है मतलब ऑटोमेटिक आ जाती है बिना किसी एफर्ट्स के आ जाती है जो आपकी मदर uh, टंग होती है लेकिन जो कोई भी अनदर सेकेंड लैंग्वेज आप सीखना चाहते हो एनसीएफ के अकॉर्डिंग इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज ही है सेकेंड लैंग्वेज को आप सीखना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको एफर्ट डालना पड़ता है तो लैंग्वेज को हमेशा लर्न किया जाता है तो ये साउंड से इमिटेशन से प्रैक्टिस से एक्टिविटीज के थ्रू लैंग्वेज क्या होती है लर्न होती है आपको सिर्फ क्या याद रखना है एग्जाम में आपको एग्जाम में इतना सा पॉइंट याद रखना है कि आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज कि निम्न में से लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है तो आपको ऑप्शन में बताना है कि ये है और ये नहीं है ठीक है तो आपको ध्यान रखना है तो कि लैंग्वेज को लर्न किया जा सकता है फिर है लैंग्वेज इज ए सिस्टम आपको पता लैंग्वेज एक सिस्टम होता है लैंग्वेज के अंदर ऑर्डर होता है लैंग्वेज के अंदर सिक्वेंस होता है एक सिस्टम होता है लैंग्वेज जैसे कि आपको पता सिस्टम का क्या मतलब है आपका सब्जेक्ट यूज होगा आपका वर्ब यूज होगा आपका ऑब्जेक्ट यूज होगा आपका सेंटेंस यूज होगा तो इसको बोलते हैं सिस्टम तो लैंग्वेज में हमेशा क्या होता है भाई एक सिस्टम होता है लैंग्वेज के अंदर ऑलवेज एक सिस्टम होता है जैसे कोई भी साउंड्स है कोई भी पैटर्न है सब तरीके से यूज किया जाता है तो लैंग्वेज इज ऑल्सो टॉट बाय थ्रू सिस्टम्स लैंग्वेज हमेशा सिस्टम्स के थ्रू ही क्या की जाती है सिखाई जाती है फिर लैंग्वेज सिस्टम्स ऑफ सिस्टम्स सिस्टम्स ऑफ सिस्टम का मतलब क्या सिस्टम का मतलब तो क्या है सीधा भाई सब्जेक्ट है वर्ब है एग्रीमेंट है आपने लगा दिया लेकिन लैंग्वेज सिस्टम्स ऑफ सिस्टम का क्या मतलब होता है सिस्टम्स ऑफ सिस्टम का मतलब होता है जो लैंग्वेज का सिस्टम होता है उससे भी हाई लेवल का सिस्टम होता है कहने का मतलब हर स्टेट में हर देश में अपनी भाषाएं होती हैं हर भाषाओं के अंदर अपना सिस्टम होता है तो हर सिस्टम का फिर क्या हो जाता है और एक्स्ट्रा सिस्टम होता है हर लैंग्वेज में अपने फनीम्स होते हैं हर लैंग्वेज का अपना स्ट्रक्चर होता है हर लैंग्वेज का अपना कुछ ना कुछ फोनिम्स मतलब मोरफीम्स होते हैं कुछ वर्ड्स होते हैं तो मोरफीम इज अ काइंड ऑफ वर्ड ठीक है ना तो हाउ मेनी मोर्फीम्स पूछे तो मतलब जितने टुकड़ों में शब्द टूट रहा है तो वही मोरफीम्स होते हैं ये क्वेश्चन कई बार आया है मैं बता रही हूं ठीक है हाँ तो ये चीज आपको सिंपल सा याद रखना है फिर अ लैंग्वेज इज सिस्टम ऑफ सिंबल्स जो लैंग्वेज है वो सिस्टम ऑफ सिंबल्स वो सिस्टम्स है सिंबल्स है लैंग्वेज एक संकेत भी है अब कई बच्चे कहते हैं मैम लैंग्वेज संकेत कैसे हो सकती है लैंग्वेज सिंबल्स कैसे हो सकती है बिल्कुल होती है आप कई बच्चे कहते हैं मैम सिंबल तो लैंग्वेज होता ही नहीं सिंबल तो सिंबल होता है आप हॉस्पिटल जा रहे हैं आपको रेड कलर का जैसे ही क्रॉस दिखता है वो मतलब प्लस का लाल रंग का निशान दिखता है तो आप दूर से क्या बोलोगे अस्पताल है इधर तो तो इसका मतलब उस क्रॉस ने मतलब वो जो प्लस का निशान है क्रॉस तो जीसस क्राइस्ट का है जो प्लस का निशान है उस प्लस के निशान ने आपको सिम्बलाइज कर दिया उस प्लस के निशान ने क्या कर दिया भाई उस प्लस के निशान ने आपको सिम्बलाइज कर दिया क्या सिम्बोलाइज कर दिया कि भाई जो लैंग्वेज है उसको सीखा मतलब एक संकेत होती है ठीक है ना जैसे डेंजर का निशान बना होता है अब रेड लाइट आ गई येलो लाइट आ गई तो वो संकेत है लेकिन वो संकेत लैंग्वेज है भाई स्टॉप रुक जाओ ठीक है ना तो लैंग्वेज सिम्बोलिक होती है ध्यान रखना लैंग्वेज के अंदर सिंबल्स uh, होते हैं ग्रीन फ्लैग लैम्प बहुत सारे सिंबल्स होते हैं ठीक है तो आपको ध्यान रखना लैंग्वेज सिंबल होता है अब टेबल सिंबल है एक ऑब्जेक्ट का मतलब सिंबल्स होते हैं लैंग्वेज के अंदर लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी आर्बिट्रेरी का मतलब होता है एक तरह से कहते हैं ना हर बंदा मतलब ये नहीं है कि लैंग्वेज के लिए एक ही शब्द फिक्स है जैसे कि हम घोड़ा बोल देते हैं कोई हॉर्स बोल देता है कोई कुछ बोल देता है कोई कुछ बोल देता है हर दुनिया में हर बंदे की लैंग्वेज का जो सिस्टम है वो बिल्कुल अलग अलग है तो लैंग्वेज का सिस्टम अलग अलग है तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी मतलब संसार में जितने भी लोग हैं सबकी अपनी अपनी भाषाएं हैं हर जगह किसी शब्द को कुछ बोला जाता है किसी शब्द को कुछ बोला जाता है किसी शब्द को कुछ बोला जाता है ऐसा नहीं है कि एक शब्द हर जगह एक जैसा हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ठीक है नेक्स्ट सिंबल ऑफ लैंग्वेज आर वोकल वोकल का मतलब होता है प्रोनाशिएशन गेस्चर्स कई बार हम लैंग्वेज को बोल के भी एक्सप्रेस कर देते हैं गैस्चर्स से भी एक्सप्रेशन से भी एक्सप्रेस कर देते हैं तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं वोकल ठीक है vocal. कोई काफ़ी लैंग्वेज होते हैं स्पोकन फॉर्म में होती है वी डोंट हैव द रिटर्न फॉर्म मतलब काफी लैंग्वेज होती है जो सिर्फ गैस्चर्स से चलती हैं मतलब मतलब बिना लिखे चल जाती हैं तो इसीलिए लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं वोकल बोलते हैं ठीक है ठीके? तो ये ये पॉइंट सारे याद रखने आपने लैंग्वेज यूनिक होती है क्योंकि हर लैंग्वेज का अपना स्ट्रक्चर होता है हर लैंग्वेज का अपना ज्योग्राफिकल एरिया होता है तो सभी लैंग्वेज अपने आप में क्या होती है भाई यूनिक होती है लैंग्वेज इज स्किल सब्जेक्ट लैंग्वेज एक स्किल होता है बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि लैंग्वेज सीखना अपने आप में स्किल है आप स्पीकिंग कर रहे हो रीडिंग कर रहे हो राइटिंग कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो तो एक स्किल है लैंग्वेज एक कौशल है इसमें कोई डाउट नहीं है ठीक है आज हम लैंग्वेज कौशल से तो पढ़ रहे हैं बट उससे पहले थोड़ा सा लैंग्वेज पढ़ रहे हैं लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए होती है ये तो बताने की जरूरत ही नहीं अपने थॉट्स को दूसरों के आगे एक्सप्रेस करने से संबंधित होती है क्या भाई लैंग्वेज तो ये तो सबको ही पता है लैंग्वेज किसी भी कल्चर से रिलेट करती है क्योंकि देखो जहां की भी लैंग्वेज होगी आप जहां जिस सोसाइटी से बिलोंग करते होंगे तो डेफिनेटली आपकी लैंग्वेज पर उस सोसाइटी का स्पेसिफिक इम्पैक्ट आने वाला है आप जिस भी सोसाइटी से बिलोंग कर रहे हो एक्स वाई जेड तो आपके ऊपर उस सोसाइटी का पूरा हंड्रेड परसेंट इंपैक्ट क्या है आने वाला है तो लैंग्वेज हमेशा इंपैक्ट करती है लैंग्वेज हमेशा कल्चर को शो करती है किसी भी स्टेट का कोई भी कल्चर है वो उसकी भाषा के अंदर बिल्कुल अच्छे से दिखाई देता है ठीक है हाँ लैंग्वेज इज नॉट स्टेटिक लैंग्वेज स्ट्रेटिक नहीं होती स्ट्रेटिक का मतलब लैंग्वेज कभी भी सेम एक जैसी नहीं रहती आपको पता है कुछ शब्द लैंग्वेज में आउटडेटेड हो जाते हैं कुछ शब्द कट जाते हैं हर रोज नए नए शब्द हजारों शब्द हमारी वोकेबलरी के अंदर जुड़ते रहते हैं ठीक है तो लैंग्वेज कभी भी स्टेटिक नहीं होती लैंग्वेज इज नॉट स्टेटिक लैंग्वेज इट्स रूट एंड कल्चर लैंग्वेज का अपना कल्चर होता है लैंग्वेज के अपनी रूट्स होते हैं ठीक है विच इज ऑलवेज चेंजिंग होती रहती है आपको पता है हम कभी भी नहीं कह सकते कि आज जो लैंग्वेज है कल भी रहेगी क्या पता कल क्या चाहू पाऊँ कौन से शब्द आ जाएंगे कुछ नहीं कहा जा सकता तो लैंग्वेज डायनामिक है स्टेटिक नहीं है बिल्कुल भी लैंग्वेज ध्यान रखना ठीक है लैंग्वेज इज ए हैबिट फॉर्मेशन आपको पता है कहते हैं ना स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग बोलने से बोलना आता है लैंग्वेज हमेशा आपकी हैबिट फॉर्मेशन से होती है आपकी हैबिट है आप बोल रहे हो तो आप सीख पाओगे आप नहीं बोल रहे हो तो आप नहीं सीख पाओगे तो लैंग्वेज एक हैबिट डेवेल्प होती जैसे कई लोग कहते हैं ना मैम इंग्लिश नहीं बोली जाती यू नो रीजन क्या इंग्लिश क्यों नहीं बोली जाती ये नहीं है कि हमें अंग्रेजी आती नहीं है हमें अंग्रेजी आती है बट क्यों नहीं बोल पाते बिकॉज वी डोंट हैव एटमोसफेयर टू स्पीकिंग सच काइंड ऑफ लैंग्वेज आप दो दिन बोलते हो सब कहते कि अंग्रेज बन रही है चुप हो जाना है ना मतलब क्योंकि हमें माहौल नहीं मिलता तो लैंग्वेज एक हैबिट डेवलप हैबिट आपकी होगी तो आप बहुत बेहतरीन लैंग्वेज को सीख सकते हो तो लैंग्वेज एक हैबिट डेवलपमेंट है एक पावरफुल टूल है सोसाइटी को बदलने का अपने विचारों को प्रेजेंट करने का लैंग्वेज एक बहुत ही अच्छा पावरफुल टूल है तो ये कुछ बेसिक सी बात थी लैंग्वेज के बारे में कि लैंग्वेज क्या होती है मतलब लैंग्वेज के कुछ स्पेसिफिक वर्ड मैंने आपको बताए अब हम मूव करते हैं आज के चैप्टर पे डेट इज स्किल्स ऑफ लैंग्वेज वेरी इंपॉर्टेंट जितने स्टार लगाए उतना कम है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्किल्स ऑफ लैंग्वेज ठीक है तो स्किल्स ऑफ लैंग्वेज काफी इंपॉर्टेंट है जितने स्टार लगाए उतने कम है तो स्किल्स ऑफ लैंग्वेज की बात करें तो चार स्किल्स होते हैं लैंग्वेज के ठीक है सबको पता है भाई चार स्किल्स होते हैं शॉर्ट में एल एस आर डब्ल्यू ठीक है अब आज हम इनको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे एल एस आर डब्ल्यू तो आपने बचपन से पढ़ रखे हैं जब से मैं आपको पैडागोजी पढ़ा रही हूँ तब से पढ़ रखे हैं थोड़ा डिटेल पे चलते हैं L, S, R, W. L means listening. S means speaking. R means reading. Or W means writing. तो एल एस आर डब्ल्यू ये लैंग्वेज के स्किल्स होते हैं तो इनका सिक्वेंस आपको याद रखना है अब देखो सिक्वेंस याद रखने के लिए कोई जत्तोजैन नहीं करनी बिल्कुल अपनी जनरल डेली लाइफ रूटीन लाइफ पे आ जाओ सबसे पहले बच्चा पैदा होता है ठीक है अब वो बेचारा पैदा होता है वो चारपाई पे पड़ा रहता है पड़ा पड़ा वो क्या करता है हमारी सुनता है ठीक है सबसे पहले बच्चा पैदा हुआ वो चारपाई पे पड़ा रहता है पड़ा पड़ा वो हमारी सुनता है ठीक है सर्वप्रथम बच्चा हमारी सुनता है तो लिसनिंग सुनना क्या होता है लिसनिंग अब वो कहता है यार बहुत सुन लिया चेचे करते हो सारे दिन मेरे कान में अब तो मैं बोलूंगा तो स्पीकिंग फिर बच्चा क्या करने लग जाता है बोलने लग जाता है अब घर वाले कहते हैं यार बोलने तो लगा तू कान खाने लगा तू सारा दिन पै पै ब करता रहता है इससे अच्छा बोल ए फॉर एप्पल कहने का मतलब बच्चे को पढ़ाना शुरू कर देते हैं जैसे ही बच्चा बोलना शुरू कर देता है हम बच्चे को क्या कर लेते हैं पढ़ाना शुरू कर देते हैं अब भाई जैसे ही बच्चा पढ़ना शुरू कर देता है जैसे ही बच्चा पढ़ना शुरू कर देता है तो आपको पता है माँ बाप कहते हैं पढ़ना तो आ गया डॉट 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 लगा देते लिख भी ले बेटा तू फिर बच्चे को फटाफट -फड़ है ना लिखने के लिए भी बोल देते हैं तो कहने का मतलब लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग ये एस्पेक्ट होते हैं लैंग्वेज को सीखने की बट क्वेश्चन आ जाए जो मंद बुद्धि बच्चे होते हैं ठीक है जो मंद बुद्धि बच्चे होते हैं उनमें जो लैंग्वेज का स्किल होता है वो क्या होता है मंद बुद्धि बच्चों के अंदर तो मंद बुद्धि बच्चों के अंदर जो लैंग्वेज का स्किल होता है वो क्या होता है वो आपको ध्यान रखना लास्ट वाला जो राइटिंग है ना ये अपोजिट हो जाता है मारिया मांटेसरी ने ये कॉन्सेप्ट दिया था तो ध्यान रखना मंदबुद्धि बच्चों के लिए लैंग्वेज का स्किल पूछे तो एल एस आर डब्ल्यू की बजाय ये लास्ट दो अपोजिट हो जाएंगे आपको एल एस आर डब्ल्यू सबको याद है इसलिए रटने की जरूरत नहीं है बस इतना याद रखना आखिरी अपोजिट हो जाएंगे अब मंद बुद्धि बच्चा ज्यादा लिखने पे ध्यान देगा पढ़ने पे कम ध्यान देगा ठीक है तो ज्यादा लिखना भी नहीं और पढ़ना भी है दोनों काम करने होते हैं लेकिन कई बच्चे पढ़ाई में ध्यान ही नहीं देते बस कॉपियां भरते रहते हैं तो ऐसा भी नहीं करना दोनों काम करने हैं ठीक है मैं कॉपियां भी भरती हूँ और लिखती पढ़ती भी हूँ तो कहने का मतलब आपको ये सिक्वेंस जो है प्रॉपर अपने दिमाग में सेट रखनी है अब बात आ जाती है भाई इनमें से दो स्किल्स तो ऐसे होते हैं जो प्रोडक्टिव होते हैं ठीक है दो स्किल्स ऐसे होते हैं जो रिसेप्टिव होते हैं ठीक है इन दो शब्दों को समझो एक शब्द है प्रोडक्टिव एक शब्द है रिसेप्टिव। दो शब्द तो आपके प्रोडक्टिव होते हैं और दो शब्द आपके क्या होते हैं रिसेप्टिव होते हैं प्रोडक्टिव का मतलब होता है जिससे आप अपने विचारों को प्रोडक्ट करते हो ठीक है प्रोडक्टिव का मतलब होता है जिससे आप अपने विचारों को प्रोडक्ट करते हो तो उनको हम प्रोडक्टिव स्किल्स बोलते हैं विचारों को प्रोडक्ट करने का मतलब समझते हो आपने अपने विचारों को प्रोडक्ट किया मतलब बाहर निकाला सोचो आप अपने विचारों को कैसे बाहर निकालते हो कुछ भी नहीं रटना आप अपने विचारों को कैसे बाहर निकालते हो या तो आप बोलते हो या तो आप बोल के बाहर निकालते हो या फिर कैसे बाहर निकालते हो लिख के बाहर निकालते हो या तो बोलोगे या फिर लिखोगे तभी तो कोई आपके विचारों को समझेगा तो जो प्रोडक्टिव स्किल्स हो गए प्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है उच्चरित करना विचारों को बाहर निकालना तो बस नो no रट्टाफिकेशन विचारों को बाहर कैसे निकालेंगे या तो बोल के निकालेंगे या फिर हम मैडम लिख के निकालेंगे तो बस स्पीकिंग और राइटिंग स्पीकिंग और राइटिंग कैसे स्किल्स होते हैं भाई प्रोडक्टिव स्किल्स होते हैं स्पीकिंग और राइटिंग कैसे स्किल्स होते हैं प्रोडक्टिव रिसेप्टिव का मतलब होता है ग्रहण करना ग्रहण करना अब रिसेप्टिव का मतलब होता है ग्रहण करना अब आप ग्रहण कैसे कर रहे हो या तो आप मेरी सुन रहे हो मैं आपको सुना रही हूँ राम कहानी इंग्लिश पैडागोजी की पता नहीं तुम्हें कैसी लगती है तुम कमेंट्स तो करते नहीं वीडियो देखने के बाद बिल्कुल भी वीडियो खत्म होने के बाद वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया करो व्हाट यू फील अबाउट द क्लास ठीक है हाँ रिसेप्टिव होता है ग्रहण करना तो ग्रहण करने का मतलब क्या होता है आप ग्रहण कैसे करते हो आप ग्रहण कैसे करते हो सोचो आप ग्रहण या तो मेरी सुन के कर रहे हो या फिर आप खुद किताब से पढ़ोगे तो मतलब ग्रहित कौशल कौन से हो आपका लिसनिंग और आपका रीडिंग क्योंकि या तो आप पढ़ के ग्रहण करोगे या फिर आप सुन के ग्रहण करोगे तो लिसनिंग और जो आपका रीडिंग स्किल्स है इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम ग्रहित कौशल जो है बोलते हैं ठीक है ठीके? इसको हम क्या बोलते हैं ग्रहित कौशल बोलते हैं तो यहाँ पर ये वही लिखा पड़ा है जो मैंने आपको समझाया अभी ठीक है लिसनिंग से किसी भी चीज़ को हम रिकोनाइज करते हैं किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं ठीक है क्योंकि किसी भी चीज़ को रिकोगनाइजेशन करना अंडरस्टैंड करने के लिए लिसनिंग कौशल की जरूरत होती है स्पीकिंग एक प्रोडक्टिव स्किल है ठीक है राइटिंग भी प्रोडक्टिव है ठीक है और ये रिकोनाइजेशन और किसी को इंडिकेट करना है आइडेंटिफाई करना है तो मतलब ये लिसनिंग ये वही चीज लिखी है जो मैंने आपको डिटेल में समझा दी है ठीक है अब वन बाय वन सभी स्किल्स को डिटेल से देख लेते हैं एक बार सबसे पहले हम देख लेते हैं अपने लिसनिंग स्किल को ठीक है सबसे पहले हम अपने लिसनिंग स्किल को डिटेल में देख लेते हैं लिसनिंग स्किल क्या होता है जो लिसनिंग का स्किल होता है काउंटर पार्ट ऑफ स्पीच इतना डिटेल में नहीं जाना मैं मेन मेन पॉइंट्स पे काम करूंगी जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड है उन पे आपको काम करना है पूनम आप बिल्कुल भर दो आपने बीएड किया है ए इंग्लिश किया है तो आप इंग्लिश भर सकते हो केवीएस में जॉब दूर लगती है वो आप देखो ना आप जॉब कर सकते हो या नहीं कर सकते जब आप ये लग रहा है कि आप जॉब कर ही नहीं सकते तो जब जॉब कर ही नहीं सकते फिर तो आपको मतलब दिमाग पे टेंशन मत मतलब लो फिर हरियाणा की स्क्रीनिंग की तैयारी करो इट्स अप टू यू ओनली है ना देखिए अब है लिसनिंग स्किल तो लिसनिंग जो स्किल है लिसनिंग स्किल की हम बात करें तो लिसनिंग स्किल क्या होता है ये ऑडिटरी होता है ठीक है तो क्योंकि ऑडियोबल मतलब किसी किसी ने बोला है तो आपने सुना है मतलब सॉरी लिसनिंग होता सुन ला तो किसी ने बोला है तो आपने सुना है तो ऑडियोट्री स्किल होता है ये सबको पता है मेन मेन पॉइंट पे काम करते हैं पीपल शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स कन्वेड थ्रू द साउंडस कोई भी बंदा आपको साउंड से कुछ कन्वे करता आप कर लेते हो द ऑडिटरी सेंस ऑफ पीपल शुड बी नॉर्मल मतलब सुनना नॉर्मल होता है नॉर्मल होना चाहिए साउंड मस्ट हाउ मीनिंगफुल भाई क्या इसकी क्वालिटी होती है जो आप बोल रहे हो वो मीनिंगफुल होना चाहिए यही नहीं है कुछ भी बोले जा रहे हो आप मेरी सुन रहे हो मैं कुछ बोल रही हूँ तो वो क्या होना चाहिए भाई मीनिंगफुल होना चाहिए ठीक है पीपल शुड बी अटेंटिव जो आपके सुनने वाले जो लिसनर हैं जो श्रोता हैं वो अटेंटिव होने चाहिए मैं बोले जा रही हूँ तुम्हारा ध्यान ही नहीं है तो उस चीज को बोलने का फायदा ही क्या है पीपल शुड हैव द इंटरेस्ट अवार द स्किल्स ऑफ लिसनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पीकिंग भाई लोगों का लिसनिंग की तरफ इंटरेस्ट होना चाहिए सुनना हर किसी के बस की बात नहीं होता बोलना हर किसी के बस की बात होता है सुनना भी जरूरी होता है ठीक है तो लिसनिंग स्किल्स में क्या एम हो सकते हैं क्या है सबसे पहले आपको पता ये फाउंडेशन ऑफ लैंग्वेज का है क्योंकि सबसे पहले भाषा हमें सुन के ही आती है सबसे पहले बच्चा पैदा होने के बाद सुनता ही है ठीक है तो आपको ध्यान रखना है टू ले फाउंडेशन ऑफ लर्निंग ऑफ लैंग्वेज सबसे पहले जो लैंग्वेज है वो सुन के ही आती है ठीक है तो सबसे पहले लैंग्वेज आपकी सुनकर ही आती है तो आपको ध्यान रखेंगे सबसे पहले लैंग्वेज सुनकर ही आती है तो आपको ध्यान रखना है टू मेक अफेक्टिव स्पीकिंग स्किल टू मेक अफेक्टिव स्पीकिंग स्किल आपको स्पीकिंग के स्किल को इफेक्टिव बनाना है क्योंकि जितना आप अच्छा बोलोगे उतना ही अगले इंटरेस्ट लेके सुनेगा ठीक है टू डुवेल्प अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज वर्बल इंटरेक्शन होनी चाहिए पर्सन के अंदर ठीक है तो कहने का मतलब ये जनरल सी बात है आप बात आती यार, listening speaking, listening है लिसनिंग स्पीकिंग लिसनिंग स्किल क्यों महत्वपूर्ण है क्योंकि सुनना एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है यदि आप सुनोगे नहीं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसे बनेगी ठीक है तो सुनना एक बहुत ही अच्छी क्या करता है भाई अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर क्रिएट करता है बट बात आती है भाई क्या सिद्धांत होने चाहिए मतलब लिसनिंग स्किल में क्या होना चाहिए क्वेश्चन डाल देगा विच इज नॉट रिलेटेड टू लिसनिंग स्किल ठीक है जी कोई भी मतलब एनसीआर के क्वेश्चन मैं आपको एक दिन रिवाइज करवा दूंगी सारे स्क्रीन रिकॉर्ड करके पूरी हिस्ट्री सिक्स सेवंथ एट्थ एनसीआरटी के क्वेश्चंस मैं रिवाइज करवा दूंगी और बाकी सिक्स की एनसीआर सेवेंथ की एनसीआर की ज्योग्रफी सेवंथ की ज्योग्राफी एट्थ की ज्योग्रफी अपने चैनल पर कंप्लीट एनसीआर टी वीडियोज एस एस टी की हो चुकी 6 -10, तो कृपा करके आप प्ले लिस्ट में जाए और सीटेट वालों को तो सिक्स टू एट करनी है सिक्स टू एट सभी क्लासेज हो चुकी हैं आप प्ले लिस्ट विजिट करें एक बार अचीवर अकेडमी की ठीक है उस प्ले लिस्ट में जाए आपको वहां पर विडियोज मिल जाएंगी आप एक बार चेकआउट कीजिए प्ले लिस्ट बनी हुई है हिस्ट्री एनसीआर टी हिस्ट्री एनसीआरटी जियोग्राफी ऐसे करके ठीक है चेक कर लो मैंने सारी एनसीआरटी करवा रखी है और क्वेश्चन किसी दिन स्पेशल करवा दूंगी सारे ऑफ टीचिंग्लिश सी टेट का बेटा क्रैश कोर्स नहीं है सी टेट का फुल कोर्स ही है ठीक है उसके अंदर पूरी साइकोलॉजी आपका सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश सब है वो एक कोम्बो है सी टेट प्लस अन अदर स्टेट के जो भी टेट होते हैं उनका तो वो आपको बाद में भी हेल्प करेगा उसमें हिंदी इंग्लिश ग्रामर भी है पैडागोजी भी है प्रिया ऐप पर मिल जाएगा प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लिस्निंग क्या है इसका देख लेते हैं इसका क्या मतलब लिसनिंग का जो क्या प्रिंसिपल क्या सिद्धांत हो सकते हैं देख लेते हैं एक बार साउंड शुड बी क्लियर ऑडियोबल एंड करेक्ट प्रन लिस्निंग की पहली शर्त यही होती है आप सुनोगे तभी जब साउंड क्लियर आएगी मान लो यहाँ पर झरझर झरझर हो रहा है यहाँ शोर शराबा हो रहा है साउंड ही क्लियर नहीं आ रही तो आप क्या ही सुनोगे तो साउंड क्लियर होगी तभी आप सुनोगे तो लिस्निंग स्किल तभी इंपॉर्टेंट होता है जब आपकी साउंड जो है क्लियर हो ऑडियोबल हो करेक्ट हो

तो आपको पता है हर स्टेज पर अलग अलग टास्क की जरूरत होती है बस अरे कुछ भी ज्यादा नहीं है बस गुड होना चाहिए टैलेंटेड होना चाहिए टीचर अच्छा स्पीक करना चाहिए बच्चा उसको सुनने की क्षमता रखना चाहिए आपके वर्ड मीनिंगफुल होने चाहिए ये नहीं है कि कुछ भी बोले जाओ बस तो यही लिसनिंग स्किल लिसनिंग जो कौशल है उसके अंदर आपको डिफरेंट चीज है अब बात आती है आपका जो लिसनिंग कौशल है उसको कैसे बेस्ट किया जा सकता है सुनने के कौशल को आप कैसे बेस्ट कर सकते हो ठीक है तो सुनने को कौशल को आप कैसे बेस्ट कर सकते हो वो चीज देखते हैं बेटा एस के प्रीवियस ईयर की बुक मैंने आपको बता दी आपको लिंक भी दिया है मैंने पिछली वीडियो में इस वीडियो में भी डाल दूंगी अग्रवाल एग्जाम कार्ड ने बहुत बेहतरीन प्रीवियस ईयर पेपर निकाले हैं जिसमें सभी सब्जेक्ट्स के हैं हिंदी इंग्लिश एस संस्कृत मैथ साइंस ई ठीक है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं लिंक डाल दूंगी आप वहाँ पर चेकआउट कर लेना एस स्पेशल भी बुक है मैंने अभी निकाली है बल्कि आज मैं आपको दिखा देती हूँ ठीक है अभी मैंने निकाली है क्योंकि मुझे इससे क्वेश्चन आप लोगों को करवाने हैं तो हर सब्जेक्ट की है प्लस पॉइंट क्या है हर सब्जेक्ट की है इनकी बुक तो ये मेरे को बढ़िया चीज लगी है ठीक है अब मेरे हाथ में तो ये पड़ी है मैथ साइंस की ऐसे ही सारी हैं ये ठीक है सारे प्रीवियस पेपर मैं यहीं से करवाऊंगी मैथ साइंस की है हिंदी की है इंग्लिश की है ऐसे ही एस एस टी की है ठीक है लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी बुक कहाँ से बाय करनी है तो देख लेना सारे प्रीवियस एस एस टी की बस साठ नंबर के लिए वो एस एस टी के प्रीवियस कर जाना सारे बहुत है और कैसे होगा आप कोई रोल कर रहे हो क्लास के अंदर खड़े हो अब ध्यान रखना लिसनिंग और स्पीकिंग लगभग सेम तरीके से ही डेवलप हो रहा है आप रोल कर रहे हो तो आपका स्पीकिंग भी बढ़ रहा है कहीं ना कहीं और आप रोल कर रहे हो तो बाकी बच्चे आपको सुन रहे हैं बड़े ध्यान से जिसे बोलते ना प्रभु प्रभु की इच्छा है ना तो दूसरे बच्चे आपको क्या कर रहे हैं भाई सुन रहे हैं तो सबसे पहले क्या होता है रोल प्लेइंग होता है ठीक है उसके बाद क्या होता है ओरल कंपोजिशन ओरल कंपोजिशन मतलब कुछ भी आप ओरल कुछ भी क्रिएट कर रहे हो कोई भी कहानी कविता पाठ तो कुछ भी क्रिएट कर रहे हो मुझे ये नहीं पता भाई बुक कितने की है ये मेरी किताब बिल्कुल भी नहीं है लेकिन आपको पता मेरा एक नेचर है मैं ये नहीं सोचती कि मेरी किताब किसी और की किताब मुझे जो अच्छी लगती है ना मैं आपको बता देती हूँ सीधी सी बात है ठीक है तो ये मेरी किताब नहीं है मुझे इसका प्राइस भी नहीं पता कुछ भी नहीं पता बस मुझे तो ये बुक्स अच्छी लगी प्रीवियस पेपर की तो मैंने आपको बता दी ठीक है रिप्रोडक्टिव स्किल्स कुछ भी आप प्रोडक्ट कर रहे हो तो वो चीज है है एक्शन एक्शन कोई भी टीचर आपको कुछ करके, कुछ करके स्टोरी सुना रहा है, तो ये सब चीज आपकी लिसनिंग स्किल के अंदर जो है महत्वपूर्ण रहती है लिसनिंग स्किल किससे और आपका मतलब बेस्ट हो सकता है ग्रामोफोन ग्रामोफोन समझते हो जो पहले जमाने में आते थे वो फिल्म देखी है हम आपके हैं कौन हस्ता हुआ चेहरा काली रंग सुनहरा से बज रहा है फिर वो रुक जाता है वो उस टाइप का होता है ग्रामोफोन ठीक है लिंगवा फोन आजकल जो लैंग्वेज लेबोरेटरी है उसमें अपने सिर पर लगा लेते हैं हेडफोन टाइप में लैंग्वेज को सुनने के लिए तो लिंगवा फोन हुआ हेडफोन हुआ रेडियो हुआ टीवी हुआ फिल्म स्ट्रिप्स कुछ चला दी आपके सामने तो ये सब आपके लिसनिंग स्किल्स को क्या करते हैं भाई एनहांस करते हैं आपके लिसनिंग स्किल को बढ़ाते हैं ठीक है तो एग्जाम में आ जाएगा लिसनिंग स्पीकिंग स्किल से रिलेटेड कौन सा सही है कौन सा नहीं है ठीक है अब लिसनिंग स्किल जितना अच्छा है कुछ डिफिकल्टीज भी आती हैं ठीक है ठीके? हाँ मुकेश लिटरेचर की बुक पर काम चल रहा है लेकिन आपको मेरा एक नेचर पता है मैं बुक तभी लाती हूं जब मुझे लगेगा कि भाई उससे अच्छी बुक नहीं आ सकती मतलब आ सकती है लेकिन अपनी तरफ से एक बार बेस्ट लेके आऊ जैसे मैं साइकोलॉजी की बुक लाई तो मैंने पागलों की तरह मेहनत करी है साइकोलॉजी के लिए आप सी का इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा मैं आपको क्लियर बता रही हूँ सी में साइकोलॉजी का इस बुक से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा स्टेट में तीस के तीस क्वेश्चन इस किताब से आए मेरी और सी में तो मतलब तीस क्या बत्तीस बनते तो बत्तीस आ जाते ठीक है तो साइकोलॉजी के लिए तो किसी दुनिया की बुक को जाने की जरूरत नहीं है अपनी बुक है बहुत एक साल की मेहनत के बाद मैंने बुक निकाली थी तुम्हें पता है कोई ऐसा क्वेश्चन या कंटेंट इस बुक से बाहर नहीं है कि आपको पेपर में ना मिले ठीक है ना आरबीडी पब्लिकेशन की साइकोलॉजी एंड पेडोगोजी हर बुक शॉप पे ऑफलाइन ऑनलाइन अमेजन फ्लिपकार्ट हर जगह अवेल है ठीक है ना तो साइकोलॉजी की तो बेस्ट बुक अपनी है वो तो प्रीवियस ईयर है जो मैंने आपको बताई है तो टीचिंग लिसनिंग स्किल्स की बात करें तो भाई क्या इनके अंदर डिफिकल्टीज आ सकती हैं उनकी बात कर लेते हैं तो एक तो भाई आपको पता लिसनिंग स्किल स्किल की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है प्रॉपर अटेंशन नहीं होते अब बच्चे अटेंटिव होते ही नहीं है ठीक है बच्चे अटेंटिव कहाँ होते हैं बच्चे तो यहाँ वहां बोलते रहते हैं ठीक है एक मिनट एक मिनट भाई एक मिनट मैं ना क्लास में थी क्लास चल एक मिनट भाई कोई है एक सेकंड मैं अभी आ रही हूं एक सेकंड रुको का? हाँ सॉरी कोई आ गया था भाई ठीक है अब आती है स्किल्स के अंदर क्या डिफिकल्टी होती है लाइफ का मतलब तो लाइव होता है भाई जो लाइव चल रहा है वही आएगा <laughs> अब इसके अंदर क्या डिफिकल्टी हो सकती है देख लीजिए तो सबसे पहले तो भाई प्रॉपर अटेंशन नहीं देते बच्चे लिसनिंग के अंदर आपको पता बच्चे बिल्कुल भी प्रॉपर अटेंशन नहीं देते लिटरेचर की बुक आएगी बहुत जल्द इंतजार खत्म होएगा काम चल रहा है प्रॉपर अटेंशन नॉट पेड ऑफ द टीचिंग ऑफ लिस्निंग एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स की ऊपर मतलब हम प्रॉपर अटेंशन नहीं देते हैं सबसे पहली बात तो यही होती है ठीक है स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज ड्यू टू फैक्ट ऑफ मदर टंग लैंग्वेज क्योंकि भाई हमारी भाषा पर अपनी मातृभाषा का इतना तगड़ा प्रभाव होता है जैसे मैंने अभी तगड़ा शब्द बोला है तो कहने का मतलब जानबूझ के बोला ये शब्द मैंने कि इतना जबरदस्त प्रभाव होता है हमारी मातृभाषा का चाह के भी हम दूसरी भाषा को सुनना पसंद ही नहीं करते हैं इंग्लिश टीचर्स यूज द लोकल डायलेक्ट एंड मदर टंग इज टीचिंग ऑफ फॉरन लैंग्वेज मोस्ट ऑफ द इंग्लिश टीचर्स नॉट एबल टू क्रिएट द इंग्लिश एटमोस्फेर इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आपको पता है भाई भारत में एटमोस्फेयर ही क्रिएट नहीं होता एटमोस्फेयर जब तक क्रिएट नहीं होगा अंग्रेज की औलाद बनी नहीं सकते हम समझ रहे हो तो कहने का मतलब इसलिए लिसनिंग स्किल बहुत ज्यादा कारगर नहीं है कुल मिला के आप ये कह सकते हो हर चीज में आपको पता है कोई कितना भी अच्छा हो कितना भी अच्छा हो मैं कितना ही दिल से कुछ ना कुछ करूं पर कुछ ना कुछ कमी तो निकल ही जाती है और कभी भी जो मेरे यहाँ कमी होती है ना मेरी वजह से कभी कमी नहीं होती बस मैं क्या ही बताऊं कुछ कमी कुछ टीचर्स की वैसे हो जाती है अब तो मैं बहुत स्ट्रिक्टली ध्यान रखूंगी हर चीज को और किसी किसी टीचर्स की वैसे जब मुझे सुनना पड़ता है ना मुझे बहुत दुख होता है बहुत ज्यादा दुख होता है और अब तो मेरी सौ परसेंट कोशिश रहेगी टीचर्स को शीशे की तरह परख परख के लगाया करूंगी क्योंकि <laughs> मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती अपनी एकेडमी के किसी भी बच्चे के भविष्य के साथ क्योंकि मुझे पता है एक बच्चा कोर्स में अनरोल करता है तो किस सोच से करता है तो भाई एक आधा हो जाता है तो कहने का मतलब मैं ये बता रही थी कि कमियां तो निकल कमिया ही आती हैं कितना भी बेस्ट हो कमियां निकल ही आती हैं ठीक है चाहे वजह कुछ भी हो बट आई जाती है प्रपोज प्रोग्राम फॉर इम्प्रूविंग स्किल्स ऑफ लिसनिंग अब लिसनिंग स्किल को कैसे इंप्रूव करोगे भाई बच्चों से गाना गुआ दो गाना सुनेंगे बच्चे अब बच्चे पढ़ के तो खुश नहीं है लेकिन बच्चों को गाना सुन भाई आप ये को पढ़ा रही हूँ पढ़ा रही हूँ चेह चे चेचे करते रहेंगे आपको रुको मैं गाना सुना रही हूँ बच्चे कहेंगे हाँ मैम सुनाओ ना तो मतलब बच्चे एकदम चुप होके बैठ जाएंगे ठीक है हाँ शिल्पा पी क्यू मैंने क्या बोला पी वाई क्यू वाई क्यू सब करवा दूंगी एक दो दिन से मैं थोड़ा सा कुछ ना कुछ ना, कुछ, ना, कुछ ना कुछ चक्कर में थी और बस मैं खुद मैं, मैं इतना बेकार फील करती हूँ जब मैं रात वाली क्लास कला, नहीं ले पाती ना मुझे अच्छा नहीं लगता आज दुनिया इधर से उधर हो जाएगी मैं रात साढ़े आठ या नौ बजे क्लास लेने आऊंगी ठीक है कोई सिंपल पोएम करवा दो कोई रीडिंग करवा दो इमिटेटिव मतलब कुछ इमिटेशन करवा लो है ना इंडिविजुअल रीडिंग करवा लो ग्रुप एक्टिविटीज करवा लो क्वेश्चन पूछ लो तो कहने का मतलब कुछ एक्टिविटीज वगैरह करवाते रहेंगे तो बच्चा खुश होता रहेगा और आराम से सुनता रहेगा ठीक है तो ये चीज क्या है आपको ध्यान रखनी है चलो एम्स ऑफ टीचिंग लिसनिंग स्पीकिंग अब बात आते हैं स्पीकिंग स्किल पे ठीक है लिसनिंग हमने कर लिया है स्पीकिंग स्किल्स से क्वेश्चन जरूर आएगा स्टार लगा लो क्वेश्चन कहां से आएगा वो भी बता दूंगी ठीक है ये मत कांग्रो पेपर वाले के साथ सेटिंग है सेटिंग नहीं होती ये एक लंबा एक्सपीरियंस होता है मुझे ये पता होता है एग्जामिनर क्वेश्चन कहां से पुट कर सकता है उसकी कितना दिमाग उसका चलेगा क्वेश्चन पूछने के लिए तो वहां सीटेट के कि कि कोई भी पैडागोजी है तो वहां पर स्पीकिंग स्किल्स के जो टाइप ऑफ प्रोनंसिएशन होते हैं वहां से क्वेश्चन जरूर पूछा है आज तक ठीक है तो बात कर लेते हैं स्पीकिंग स्किल्स के तो स्पीकिंग का मतलब बोलने वाला स्किल अब बोलने वाला स्किल आपको पता है ऑडियोबल इंटेलिजेंट यही सब कुछ है स्पीच मैनर होने चाहिए अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थॉट्स होने चाहिए आइडियाज होने चाहिए ये सारी कहानी वही है आप असली कहानी पे आ जाओ जो आपकी पेपर के अंदर आएगी मैथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश और प्रोनाउंसिएशन अब बोलने का स्किल है स्पीकिंग स्किल है तो उसके अंदर प्रोनउंसिएशन बहुत जरूरी है उसके अंदर बोलना बहुत जरूरी है प्रोनसिएशन बहुत जरूरी है अब बोलोगे कैसे भाई वो देख लो बोलने के तीन मेथड हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए स्टार लगा लो यहां से एक आपका इमिटेशन मेथड है इमिटिएट करके बोलते हैं एक आपका फोनेटिक्स मेथड है और एक आपका सबसाइडरी मेथड है इसमें भी सबसाइडरी मेथड पे स्टार लगा लो ठीक है इमिटेशन मेथड के अंदर क्या होता है इमिटेशन इमिटिएट करना नकल करना है ना इमिटेशन मेथड के अंदर क्या होता है टीचर कुछ भी स्पीक करता है और स्टूडेंट क्या करते हैं भाई उसकी नकल करते हैं टीचर कुछ भी स्पीक करता है तो स्टूडेंट्स उसकी क्या करते हैं नकल करते हैं तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं इमिटेशन मेथड टीचर कुछ भी स्पीक करता है तो स्टूडेंट उसकी कॉपी करते हैं उसकी नकल करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं इमिटेशन मेथड हम इसको बोलते हैं इन दिस मेथड टीचर प्रेजेंट ए गुड रोल मॉडल ऑफ स्पीच एंड टास्क ऑफ स्टूडेंट टू इमिटेट दैम बस टीचर अपने आप को एक रोल मॉडल प्रेजेंट करता है वो बहुत अच्छा स्पीक करता है और जब वो स्पीक करता है तो बाद में क्या होता है जब टीचर स्पीक करता है तो बच्चे उसको इमिटिएट करते हैं और इमिटिएट करके बच्चे भी स्पीक करते हैं तो स्पीकिंग स्किल क्या हो जाता है डेवलप हो जाता है और आपकी प्रोनंसिएशन एक बेहतरीन प्रोनंसिएशन बन जाती है ठीक है हुँ. ये है ना ऐसे मैसेज लिख लिख के थैंक्स मत करो सब बच्चों ने ये कह रखा कि एसरेट पास होते ही जो संडे आएगा मीटअप करेंगे देखूंगे अब कौन कौन मिलने आएगा और मुझे ये भी बताना कि मीटअप को ऑफिशियली किया जाए किसी मतलब अकेडमी में अच्छा भाई एक मीटअप एंड सेमिनार मोटिवेशनल ऐसा किया जाए एस्टेट के रिजल्ट के बाद मीटअप या फिर जनरल भाई कोई बात नहीं जिसको आना है फोन कर लो मैं लोकेशन भेज दूंगी मेरे घर आ जाना मिलके चले जाना या इस तरीके से करना वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर प्रेजेंट करना कि आई एम प्लानिंग टू टाइप ऑफ मीटअप एस्टेट के रिजल्ट के बाद जो पहला संडे आएगा ऑफिशियली वो मीटअप है अपना अब उसमें दो टाइप से हो सकता है मीटअप एक तो आप कहो मैम ऑफिशियल किसी एकेडमी में बुलाओ और वहाँ मतलब आप बोलो हम सुनेंगे या कुछ मैं आपको मोटिवेशन करूँगी ये वो सब कुछ लाइक एक ऐसा मीटअप किया जाए या फिर जैसे मैं हमेशा से करती आई हूँ कि एसटेड के रिजल्ट के बाद बच्चे फोन करते हैं मैम मुझे मिलने आना है और भाई मैं एड्रेस दे देती हूँ और बच्चे आ जाते हैं मिलकर चले जाते हैं चाय वाई पिला देती हूँ मैं ठीक है तो मतलब जैसा आपको सही लगे आप मुझे बता देना कौन से वाला मीटअप आप करना चाहते हो ऑफिशियल किसी एकेडमी में गैदरिंग करके या फिर कोई बात नहीं मैम हम हमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं हम तो आपसे मिलने आपके घर आ जाएंगे तो जैसा आपको सही लगे आप मुझे कमेंट करके बताना कि मीटअप कैसा होना चाहिए फोनेटिक्स मैथड फोनेटिक्स मेथड के अंदर क्या होता है फोनेटिक्स मेथड के अंदर क्या होता है दिस मेथड इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक फोनेटिक्स साउंड ठीक है साउंड्स के ऊपर साउंड्स के ऊपर फोनेटिक्स के ऊपर तो ये जो चीज होती है इसके अंदर टीचर आपकी नॉलेज आपकी जो फोर्टी फोर साउंडस हैं वोवल साउंड हैं कॉन्सोनेट साउंड हैं इनकी जो है आप बात करता है स्पीच ऑर्गन्स की बात करता है तो इनकी बात करता है आपको ये चीज ध्यान रखना ठीक है हाँ क्लियर फिर सबसाइडरी मेथड सबसाइडरी मेथड के अंदर क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान से कर लो स्टार लगा लो यही क्वेश्चन आता है ठीक है हाँ तो इस पे यही क्वेश्चन आता है देर आर द मेनी अदर मैथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश प्रोनाशिएशन दीज हेल्प इन डेवलप स्पीकिंग हैबिट सब्साइडरी मैथड्स कौन से होते हैं जिसमें आप कुछ कुछ एक्टिविटीज करवाते हो कुछ कुछ एक्टिविटीज करवाने के बाद जब आप कुछ भी मतलब एक तरह से करते हो तो एक्टिविटीज के बाद जो मेथड होता है वो होता है सब्साइडरी मेथड जिसके अंदर क्वेश्चन आन देखो अब यहां पर ये यह ध्यान रखना सब्साइडरी मेथड इंपॉर्टेंट है इसके अंदर क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं डिबेट्स हो सकते हैं ड्रामा करवा सकते हैं किसी पोएम को रिसाइट करवा सकते हैं एनालिसिस ऑफ साउंड करवा सकते हैं ठीक है इंडक्टिव टेक्निक डिडक्टिव टेक्निक लाउड रीडिंग तो ये सब क्या होते हैं भाई सबसाइडरी मेथड्स होते हैं स्पीकिंग एबिलिटी को ये क्या करते हैं ड्रेन करते हैं किसी भी स्पीकिंग एबिलिटी को आपको पता है प्रोवाइड करना चाहिए करेक्ट प्रोनाशिएशन होना चाहिए ये सब आप समझ लोगे ऑडियो एज डिबेट्स हो लैंग्वेज गेम्स होने चाहिए ड्रामा होने चाहिए इंग्लिश टीचर को अपने आपको एक आइडियल मॉडल प्रेजेंट करना चाहिए ठीक है तो ये सब चीजें क्या है आपको दिमाग में ध्यान रखनी है ठीक है तो ये तीनों मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब इनका थोड़ा सा डिटेल जो एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है जैसे इमिटेशन मेथड के अंदर क्या होगा डिफरेंट साउंड होंगी कुछ ना कुछ आप बोलोगे बच्चा इमिटिएट करेगा तो इस तरीके से जो है होता है ठीक है ठीक है तो सबसे पहला परसेप्शन परसेप्शन क्या होता है मतलब आप किसी भी अपना कोई कॉन्सेप्ट बना लो कुछ मैंने ब्लैक बोर्ड पे कुछ आइडियाज बना लिए कुछ कॉन्सेप्ट बना लिए ठीक है तो यहाँ पर एक परसेप्शन होता है फिर कुछ इमिटेशन आप करते हो मतलब बच्चा आपको इमिटेट करेगा फिर आप बच्चे से फीडबैक लोगे है ना फिर आप बच्चे से जब फीडबैक लोगे तो फिर क्या करोगे एंड दिस इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ टू टाइप्स जैसे ग्रुप डील फिर बच्चे से क्या करेंगे भाई चलो ग्रुप में तुम कुछ एक्टिविटीज़ कर लो फिर मतलब इस तरीके से कहने का मतलब क्या इमिटेशन के आपको ये क्वेश्चन कैसे याद रखना है कि इमिटेशन मेथड के स्टेप होते हैं आपको ये सिक्वेंस याद रखनी है ये सिकवेंस आपसे पेपर में पूछी जा सकती है कि इमिटेशन मैथड में क्या होता है परसेप्शन होता है इमिटेशन मैथड में परसेप्शन होता है इमिटेशन होता है फीडबैक होती है और ड्रिल होता है और ड्रिल भी एक ओरल होता है एक ग्रुप होता है मतलब पूरे ग्रुप का और एक इंडिविजुअल आपको क्या किया जाता है भाई इंडिविजुअल आपको फीडबैक दिए जाते हैं ठीक है तो यहाँ पर आपको चीजें हैं ध्यान रखना है हाँ क्लियर है भाई तो यहां पर यह क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए याद रखना है इमिटेशन मेथड के सीक्वेंस क्या होता है परसेप्शन इमिटेशन फीडबैक और ड्रिल ठीक है फॉर गिविंग मॉडल ऑफ प्रोन्सेशन लिंगवा फोन कैन बी यूज अकॉर्डिंग टू द इमिटेशन हेल्प तो आपको पता है लिंगवा फोन यूज हो सकते हैं रिकॉर्डिंग फॉर्मल रिकॉर्डिंग की जा सकती है किसी भी टेक्स्ट की इनफॉर्मल हो सकती है जिसमें हम इमिटेट करते हैं ये वाला टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आता है ठीक है तो इमिटेशन मेथड एक नेचुरल मेथड होता है क्योंकि उसमें बच्चा इमिटेट करके जल्दी सीख लेता है टाइम सेविंग होता है भाई क्योंकि टाइम बच जाता है टीचर ने बोला बच्चे ने बोला बच्चे ने सेल्फ एफर्ट करे ही नहीं तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ठीक है डीमेरिट्स क्या हो सकती हैं कई बार भाई हम जिसको इमिटेट कर रहे हैं जरूरी तो नहीं है कि हमारा गाइडर ही बेस्ट हो कई बार हम गलत गाइडर के चक्कर में भी तो पड़ जाते हैं ऐसा होता है ठीक है तो ये चीज़ भी बहुत मायने रखती है कि आपने अपने गाइडर को कैसे चुना है अपने गाइड को गाइडर शब्द वैसे रोंग होता है गाइड होता है ठीक है प्रेनसिएशन ऑफ एवरी वर्ड इज नॉट पॉसिबल और हर शब्द को भी इमिटेट नहीं किया जा सकता अब टीचर क्या एक शब्द को इमिटेट करता रहेगा तो यहाँ पर भी वो चीज़ नहीं है आपको ध्यान रखना है ठीक है ठीक है भाई सुदेश बैरी जो भी आपने चुना है बढ़िया है कुछ भी हो जिसमें मजा आए वो काम करो ठीक है जिसमें आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो काम हमेशा जिंदगी में वो चुनो हमेशा एम उसको बनाओ जिसको करने में आपको अंदर से बहुत बढ़िया लगे आपके अंदर से एनर्जी आए पैशन जॉब ऐसी चुनो जिस जॉब को करने में आपको अंदर से फील हो कि यस आई कैन डू दिस और मुझे इसको करने में बहुत खुशी मिलेगी और जिस काम को करने में आपको खुशी मिलती है आप खुद देखना आप उस काम को बहुत दिल से करते हो और जिस काम को आप दिल से करते हो उसका रिजल्ट भी बहुत कुछ बेहतरीन आता है तो वहां आपकी पॉपुलरिटी की बहुत ज्यादा चांस होते हैं कभी भी जबरदस्ती कुछ मत करो वही पैशन चुनो वही काम चुनो जिस काम को करने में आपको अंदर से लग रहा हो कि यस मैं इस काम को दुनिया में सबसे अच्छा कर सकता हूँ बस आप उस काम को करोगे तो वो जो मिलके आपके अंदर की एनर्जी और उस काम को करने की एनर्जी आपको जिंदगी में बहुत कामयाब कर देगी ठीक है फोनेटिक्स मेथड आपको पता है फोनेटिक्स मेथड के अंदर जो वोवल साउंड्स होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं जो लेटर्स होते हैं उनके ऊपर जो है काम किया जाता है ठीक है तो ये सारा आपको फोनेटिक्स साउंड्स के अंदर पता होना चाहिए यहां पर ये क्वेश्चन याद रखना डेनियल जोन्स नाम का एक बंदा था डेनियल जोन्स जिसने पाँच स्टेप्स को डिस्क्राइब किया था उसकी बुक के अंदर आउटलाइन ऑफ इंग्लिश फोनेटिक्स कि फोनेटिक्स पे कैसे काम किया जाना चाहिए तो यहाँ से ये क्वेश्चन याद कर लेना डेनियल जोन्स ने पाँच स्टेप दिए थे कि सबसे पहले रिकोनाइज करना होता है अपने साउंड्स को फिर अपने साउंड्स को खुद क्रिएट करना होता है फिर उन साउंड को प्रॉपर वे में कनेक्ट करना होता है कि किस शब्द के साथ कैसे साउंड यूज़ करूँगा फिर उन साउंड्स को लर्न करना है उनकी इंटोनेशन इंटोनेशन क्या होता है जैसे पिच अप डाउन होती है लैंग्वेज की जो रिदम है स्ट्रेस है तो उन पॉज है तो वो करना है फिर कंप्लीट सीक्वेंस सेंटेंस के ऑर्डर को क्या करना है भाई आपको सीखना है तो ये फोनेटिक्स के सीक्वेंस को सीखने का क्या होता है भाई तरीका होता है ठीक है फिर फोनेटिक्स मेथड के क्या फायदे हैं सबके वही फायदे हैं भाई कि करेक्टनेस आती है प्रोनंसिएशन आता है कॉन्फिडेंस बढ़ता है नुकसान क्या है ट्रेन टीचर नहीं मिलते टाइम नहीं मिलता बच्चा गलत ना कर ले बस ये सब घिसे पेटी वही बातें हैं कुछ नया बात यहाँ पर नहीं है सबसाइडरी मेथड इंपॉर्टेंट है याद रखना सबसाइडरी मेथड वो होता है जिसके अंदर आप कुछ अलग अलग तरीके से प्रोनउंसिएशन करके बच्चों को सिखाते हैं ये सीटेट में लास्ट टाइम पूछा गया क्वेश्चन था सबसाइडरी मेथड इज नीचे चार ऑप्शन डाले हुए थे कि जिसमें इमिडेट करता है स्पीच करता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज से बच्चा सीखता है तो डिफरेंट एक्टिविटीज क्या हो सकती है लाउड रीडिंग हो सकती है सिंगिंग हो सकती है डायलॉग हो सकते हैं ड्रामेटाइजेशन हो, है, हो, है, हो सकता है डिबेट्स हो सकते हैं रिसाइटिंग हो सकता है इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोचेज हो सकती हैं तो ये आपके सबसाइडरी के अंदर होते हैं ठीक है भाई ध्यान रखना है ठीक है फोनेटिक्स में आपको बता ही चुकी स्टडी ऑफ आर्टिकुलेशन स्टडी ऑफ साउंड ये आपकी स्टडी ऑफ स्पीच साउंड ठीक है तो ये सब मैं आपको बता चुकी हूं वर्ड्स की फॉर्मोलॉजी होती है और ये लेटर होते हैं क्लियर स्ट्रेस क्या होता है साउंड और सिलेबल विच इज अ स्ट्रेस इज अपॉन मतलब जिसके ऊपर आप जब कुछ बोलते हो तो एक शब्द होता है जिसके ऊपर आपका स्ट्रेस जाता है स्ट्रेस जाता है जैसे अनवॉन्टेड अनवॉन्टेड अनवॉन्ट पर स्ट्रेस जाता है तो वो स्ट्रेस होता है इंटोनेशन क्या होता है जैसे आप बोलते हो थैंक यू तो आपका जो पिच अप डाउन होता है उसको हम इंटोनेशन बोलते हैं जैसे थैंक्स बोला तो आपका आवाज ऊपर गया यू बोला तो आपकी पिच नीचे आ गई तो एक तरह से जो पिच होती है उसको हम क्या बोलते हैं इंटोनेशन बोलते हैं भाई ठीक है रिदम आपको पता ही है जो फ्रीक्वेंसी होती है जैसे वो हार्ट बीट वाली फ्रीक्वेंसी होती है ना अस्पतालों में देखी है सीधी हो जाए तो बंदा है ना तो फ्रीक्वेंसी जो आती है ना रेडियो टीवी सुनते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी जो होती है मतलब एक तरह से वो होती है फ्लुएंसी आप शब्दों को किस तरीके से बोल रहे होता है जंक्चर क्या होता है जंक्चर होता है जैसे कि आप सिलेबल्स में ब्रेक करते हो जैसे मैन गोज लिखा है तो मैन लिख दिया गोज लिख दिया ऑलवेज लिखा है तो ऑल लिख दिया वेज लिख दिया तो ऐसे शब्दों को आप तोड़ते हो तो ये जंक्चर कहलाता है ये इंपॉर्टेंट है ठीक है सेपरेट करते हो टू नियर सिक्वेंस दो शब्दों को जब आप सेपरेट करते हो ठीक है तो ये जंक्चर कहलाता है पोज जैसे कोई भी आप पोज लेते हो फुल स्टॉप लेते हो तो वो क्या होता है पोज होता है आप लैंग्वेज के कल बाकी दो स्किल्स करेंगे और रिमेनिंग कुछ और करेंगे कल पैडागोजी पार्ट फोर करेंगे सो गाइज होप सो आपको ये लैंग्वेज पैडागोजी की वीडियो सही लग रही हैं आपको कैसी लगती हैं आप कमेंट करके जरूर बताया करो चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन करके घंटी जरूर बजा लो क्योंकि आपको पता है मैं कभी भी आ जाती हूँ मैं अपने घर के या किसी बहुत सारे काम के हिसाब से चलती हूँ वेन एवर आई फील आई हैव हाँ फ्री टाइम मैं यूट्यूब पर खड़ी हो जाती हूँ और वीडियो पढ़ाकर चली जाती हूँ फिर बच्चे कहते हैं अरे मैम कब आई लाइव पता ही नहीं चला कब आई लाइव पता ही नहीं चला तो घंटी बजा के रख लो ठीक है जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चैनल्स है ना मैं बताऊं तुम क्या कर रहे हो तो दुनिया भर के चैनल्स की घंटी बजा के रखते हो जो इंपॉर्टेंट है जो तुम्हारी पढ़ाई में योगदान रख रहा है दो चार पाँच छेद आठ आठ सात चैनल जो तुम्हारे लिए बेस्ट है ना सिर्फ उनकी घंटी बजा के रखा करो सारे पचास चैनलों की घंटी बजा के रखते हो वो नोटिफिकेशन तुम्हारे पास आता होगा तुम्हें पता भी नहीं चलता होगा ठीक है तो भाई घंटी बजा लेना सब्सक्राइब करके उससे क्या है मैं जब भी लाइव आऊंगी आपको पता चल जाएगा पहली इंपॉर्टेंट बात दूसरी इंपॉर्टेंट बात वैसे अपना टाइम फिक्स है सुबह में साढ़े दस से ग्यारह बजे के आसपास मैं आपकी लाइव क्लास लूंगी ठीक है यही सवा दस ग्यारह ग्यारह के बीच आपकी जो लाइव क्लास होगी सुबह में शाम को आपकी जो क्लास है वो रात नौ बजे का ही शेड्यूल हम रखेंगे क्योंकि कि नौ बज ही जाते हैं जैसे जा सर्दी हो गर्मी है काम खत्म होते होते हैं नौ बज ही जाते हैं ठीक है तो नौ बजे या नहीं तो साढ़े आठ कर देंगे विंटर्स आ रही है आगे आगे तो साढ़े आठ बजे आपका लाइव सेशन शुरू कर दूंगी शाम वाला जो लाइव सेशन होगा वो केवीएस प्रिपरेशन पे बेस्ड होगा जिसमें हम केवीएस के क्वेश्चन शुरू कर देंगे बस एक आज से शायद मैं कर दूंगी मैंने डिसाइड कर लिया है ठीक है बीच में जो क्लास होती है साढ़े चार से छह मेरी वो केवीएस बैच में होती है और अभी लगभग मंडे या ट्यूजडे से इंग्लिश लिटरेचर का लाइव बैच भी आ रहा है जो लगभग इसी टाइम पे हम करा करेंगे बारह बजे के अराउंड ठीक है तो इंग्लिश लिटरेचर का लाइव बैच भी बहुत जल्द अपनी अकेडमी के ऐप पर आ रहा है ठीक है भाई एस एस टी मैं करवा दूंगी मीनाक्षी जितने भी एनसीआर टी के क्वेश्चन हैं सिक्स सेवन्थ एट्थ के मैं करवा दूंगी और एनसीआर टी ऑलरेडी करवा रखी है ठीक है ना सो बाय बाय टेक केयर बाकी मैंने आपको बुक्स बता दी या बुक्स का लिंक मैं सेंड कर दूंगी जो प्रीवियस ईयर के लिए आप ले लेना ठीक है भाई टाटा टेक केयर